गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड यूनिट फोर्थ। ओके, हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ओके, इसमें हम आज पढ़ेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के जो हमारे नियम है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा पहला नियम है इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू जीरो। हमारी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म में। ठीक है, इज होमोजीनियस, क्या है, समघात समीकरण है। अगर हमारी जो इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू जीरो वो यदि समघात समीकरण है और इसमें यदि एम एक्स प्लस एम वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू जीरो समघात समीकरण है और एम एक्स प्लस एम वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, देन वन अपॉन एम एक्स प्लस एम वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर एम एक्स प्लस एम वाई की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है तो वन अपॉन एम एक्स प्लस एम वाई क्या होगा, हमारे लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वन अपॉन एम एक्स प्लस एम वाई, इसको हम हमारी जो इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमारी जो इक्वेशन होगी वो समघात इक्वेशन आ जाएगी, और वो समघात इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद तो क्या होगा, वो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन जाएगी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को जिस मेथड से सॉल्व करते थे उससे उस इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, पर यदि कह रहा है कि यदि mx plus ny is not equal to zero आ रहा है, क्या रहा है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं, सॉरी mx plus ny is not equal to zero होगा तो वन अपॉन mx plus ny हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। अब ये आ रहा है कि mx plus ny equal to zero आ रहा है। ठीक है, अगर mx plus ny equal to zero आ रहा है देन रिप्लेसिंग m upon n by minus y upon x, एम अपॉन एन को माइनस वाई अपॉन एक्स से रिप्लेस करना, उसका इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करने के तो हमको क्या मिलेगा, बी ऑब्टेन द सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू सी वाई, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन इफ द गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू जीरो इज ऑफ द फॉर्म एफ वन एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। अगर हमारी इक्वेशन जो एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू जीरो है इसको यदि हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एफ वन एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो एंड एम एक्स माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। और इसको हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे उसको सोल्व कर देंगे, बट एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू जीरो आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एम अपॉन एन को वाई अपॉन एक्स से रिप्लेस कर देंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स वाई इक्वल टू सी। ठीक है, इफ द गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू जीरो द एक्सप्रेशन, अगर थर्ड हमारा रूल से है कि हमारी जो इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू जीरो आ रहा है उसकी एक्सप्रेशन वन अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एफ ऑफ एक्स आ रहा है इसको तो हम कहेंगे क्या निकालेंगे, वन अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाला, इसको हमने कह दिया एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा ए टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स होगा। और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसी को हम इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलरली जैसे करते आ रहे हैं, फिर वो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी और फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा चौथी कंडीशन है, क्या है चौथी कंडीशन, हमारी फोर्थ कंडीशन है इफ द गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू जीरो द एक्सप्रेशन, एक बार ये देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट रूल है वन अपॉन एम, यहाँ एन है तो यहाँ एम है, यहाँ एम है तो यहाँ एन है, वो ध्यान रखना है, वन अपॉन एम डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, क्या आ रहा है, एफ ऑफ वाई आ रहा है, देन ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तब हमारा क्या, अगर ये था तो एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, सॉरी ई टू द पावर इंटीग्रेशन, अगर इसको ये वाली इक्वेशन है तो यहाँ पे एफ ऑफ वाई कहेंगे हम इसको, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई और इसी को हम इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट कंडीशन है हमारी फिफ्थ, इफ द गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो कैन बी पुट इन फॉलोइंग फॉर्म, हम अगर इसको फॉलोइंग फॉर्म में लिख सकते हैं, कौन सी, सॉरी एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर बी इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स टू द पावर सी वाई टू द पावर डी
देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसका x टू दी पावर h इनटू y टू दी पावर k, जहां पे a b h k सभी क्या है कांस्टेंट है। अब यहाँ पे h और k की कंडीशन जो है वो हमारी जो एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन है उससे हम h और k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये चीजें। माइनस एक्स क्यूब वाई से प्लस एक्स क्यूब वाई कैंसिल हो गया, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
हिसाब से हमारी माइनस की टू स्क्वायर वाई स्क्वायर बचे गए, तो बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी जो एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या है हमारे पास एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू मिली हमको, ठीक है। मतलब क्या हो गया हमारे पास एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई देर फोर वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होगा हमारा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब समाकल गुणांक होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम ये जो इक्वेशन फर्स्ट थी ना उसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास करो वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डीएक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, इसको भी कर दो वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ठीक है, इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। अब देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या वन अपॉन वाई माइनस टू। देखो एक एक्स से एक एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, अभी क्या कैंसिल नहीं करना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तब करेंगे। अब देखो इसके साथ में जब इसको लेंगे तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो टू अपॉन एक्स बचेगा, ठीक है, इंटू डी एक्स माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई किया तो एक ऊपर एक्स बचेगा, ठीक है, और नीचे तो वाई स्क्वायर आएगा एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस, अब जब इससे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या माइनस थ्री अपॉन वाई, ठीक है। क्या बचा हमारे पास जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या बचेगा एक्स क्यूब है ना, तो एक एक्स ऊपर बचेगा और नीचे वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बचेगा क्या माइनस थ्री अपॉन वाई, ठीक है, माइनस थ्री अपॉन वाई ये बचेगा हमारे पास, ठीक है, इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये बचेगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, अब ये जो इक्वेशन बन गई ना वो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। कैसे निकालो यहाँ पे एम इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, अब डेल एम अपॉन डेल एम इक्वल टू आ गया वन अपॉन वाई माइनस टू अपॉन एक्स, देन डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्या हो जाएगा वाई टू दी पावर वाई हो वन अपॉन वाई हो तो हम क्या देखते हैं वाई टू दी पावर माइनस वन, तो क्या जाएगा माइनस y टू दी पावर माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन प्लस वन, ठीक है, तो वन अपॉन y का हम सॉरी इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, y टू दी क्या हो जाएगा माइनस वन y टू दी पावर माइनस वन माइनस वन, मतलब ये देख माइनस वन अपॉन y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन y स्क्वायर और इसका आ जाएगा जीरो, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर ही नहीं रहे, हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ n क्या है, एन इक्वल टू है माइनस एम डी एक्स प्लस एम डी वाई था ना, अब हमारे पास एन है माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन वाई। अब इसका क्या निकालना डेल एन अपॉन डेल एक्स, क्या निकालना डेल एन अपॉन डेल एक्स, जब डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे अब हम इसका कर रहे हैं, यहाँ तो एक्स है ही नहीं तो वाई का जीरो हो जाएगा, इसका करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में x का तो वन ही होता है, इसका भी क्या आ जाएगा वन अपॉन वाई स्क्वायर, देयर फोर डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया हमारी जो इक्वेशन है ये सेकेंड इक्वेशन वो क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसी है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है।
does not contain x. इसमें कौन सी टर्म्स लेते हैं? वो टर्म्स लेते हैं जिसमें x नहीं हो, ठीक है? ये हम कर चुके हैं पहले, सब पहले पढ़ चुके हैं ये। आप करो इधर इंटीग्रेशन ऑफ m dx। m क्या है हमारे पास? 1 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy। n में वो ही टर्म्स लेंगे जिसमें n क्या है हमारे पास, ये वाली जिसमें x नहीं है, वो टर्म्स कौन सी होगी? 3 अपॉन y, 3 अपॉन y dy इक्वल टू 0, ठीक है? इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है? इसमें y को ऐसे कांस्टेंट रखना है, y को ऐसे कांस्टेंट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन y dx माइनस 2 बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन x dx प्लस 3 बाहर निकल गया, ये आ जाएगा dy अपॉन y इक्वल टू 0, ठीक है? इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x अपॉन y, तो dx का x हो गया ये माइनस 2 log of x प्लस 2 log of x प्लस 3 log of y इक्वल टू कॉन्स्टेंट c, ठीक है? क्या आ जाएगा हमारे पास, x अपॉन y माइनस 2 log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ y इक्वल टू सी। आगे और सॉल्व करना है इसको कर सकते हैं, x अपॉन y माइनस log ऑफ x स्क्वायर प्लस log ऑफ y स्क्वायर y क्यूब इक्वल टू सी। अगर इसको आगे हम सॉल्व करना चाहें तो x अपॉन y ये क्या log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m इसको पहले लिख दो, log y क्यूब माइनस log x स्क्वायर इक्वल टू c, फिर log m माइनस log n इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m अपॉन n इक्वल टू c। अगर इसको हम इधर लाना चाहें तो ला सकते हैं, इसको इधर ले लो, log y क्यूब अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू c माइनस x अपॉन y, देन y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू दी पावर सी माइनस एक्स अपॉन वाई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है? तो हमने फर्स्ट रूल से तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हम आगे हम नेक्स्ट रूल का यूज करते हैं। ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है।
ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं उस रूप में, देखो इसमें से क्या आ रहा है हमारे पास, क्या कॉमन आ रहा है हमको लिखना है एफ वन एक्स वाई वाई डी एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो के रूप में लिखना, ठीक है। एफ वन एक्स वाई हम क्या करते इसमें से वाई को बाहर निकाल देते, ठीक है, वाई को बाहर निकाला तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई डी एक्स, ठीक है। एक एक्स को वाई को बाहर निकाल दिया हमने, एक वाई यहां से कम से कम हो जाएगी, यहां से एक कम हो जाएगी, ठीक है, प्लस एफ टू एक्स वाई। अब यहां से एक्स डीवाई निकालो, एक एक्स बाहर निकाल दिया, ये बचेगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स डीवाई प्लस टू जीरो। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन एफ वन एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई एक्स डीवाई इक्वल टू जीरो के रूप में आ गई, ठीक है। अब देखो एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू निकालते हैं, इसमें निकालो एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू, देन एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरा एम है ये है एन, लिखो एम की जगह क्या आ रहा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू एक्स माइनस एन, एन इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, जब एक्स को इसमें मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है। क्या आ रही है हमारी इक्वेशन एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस, ठीक है। अब इसमें भी हम एक ये जो वाई है ये पूरा हमारे लिए क्या है एम क्या है ये वाला हमने क्या लिखा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू एक्स माइनस माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। जब अगर हम ये वाला ले रहे हैं तो दोनों फिर यही लेने पड़ेंगे हमको, अगर ये ले रहे तो इधर वाला ले सकते थे, ठीक है। तो ये क्या था एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू वाई। तो ये यहां से तो हमने सही लिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब y क्यूब, और यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ करेंगे तो अपने आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है। ये क्या है एक्स स्क्वायर वाई सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास ये वाली टर्म उसको कैंसिल हो जाएगी, टू एक्स क्यूब बाई क्यूब बस एक एक्स क्यूब बाई क्यूब गया तो बचेगा क्या हमारे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब, क्या बचा हमारे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। अब ये एक्स क्यूब बाई क्यूब जो बचा उस एक्स क्यूब बाई क्यूब को क्या करें ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, देयरफॉर दैट इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है तब क्या करेंगे इक्वेशन जो फर्स्ट है ना इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग equation first by 1 upon क्या बचा था एक्स एक्स क्यूब वाई क्यूब,
वन अपन एक्स क्यूब से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। जब वन अपन एक्स क्यूब वाई क्यूब से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है करो। जब इसको मल्टीप्लाई किया हमने वन, ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब, अंदर है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी आई डी वाई इक्वल टू जीरो। जब मल्टीप्लाई किया तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, हमारे पास एक एक्स से एक एक्स कटेगा और वाई स्क्वायर से वाई कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस अब यहां देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक बचा हमारे पास टू और नीचे बचेगा एक एक्स, और वाई क्यूब से वाई क्यूब भी कैंसिल हो गया, ठीक है। ये बचा हमारे पास डी एक्स प्लस, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक वाई से एक वाई कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, वन अपॉन वाई स्क्वायर एक्स एक्स सॉरी क्या बचेगा, एक तो एक्स बचेगा और एक वाई से एक वाई कटेगा तो वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस, अब यहाँ एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, वन अपॉन वाई डी वाई, ठीक है, ये बचा। इसका मतलब मेरे पास एम क्या हो गया यहाँ पे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू अपॉन एक्स, ठीक है। देन डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वाई का के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और वाई का क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एन क्या है हमारे पास, ठीक है, अब सेकेंड इसमें जब करेंगे तो हम वाई के रिस्पेक्ट में करना भी तो है ही ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एन क्या है हमारे पास, वन अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई, देन डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन डेल वाई सॉरी डेल एम अपॉन डेल वाई था, ये डेल एन अपॉन डेल एक्स निकलेगा, क्या निकलेगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल एन अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे एक्स तो वन अपॉन डेल एन अपॉन डेल एक्स, वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या कॉन्स्टेंट है, मतलब दोनों की वैल्यू सिमिलर आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, देयरफोर हमारी जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन सेकेंड वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है ये हमारी इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इक्वेशन सेकेंड इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है हमारी इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, हम जानते हैं एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, ठीक है, जहां पे हम यहाँ पे क्या लेते हैं वाई को एज कॉन्स्टेंट, ओके, और यहाँ क्या लेते हैं टर्म्स विच डज नॉट कंटेन एक्स, वो टर्म्स लेनी है जो एक्स जिसमें नहीं हो, ठीक है, ये लेना है। अब एम क्या है हमारे पास, देखो एम को तो अभी तक फिलहाल तो एक एज इट इज लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई। एन में वो टर्म्स लेनी है जिसमें एक्स नहीं है, तो वो टर्म्स कौन सी होगी, माइनस वन अपॉन
वाई, ओनली क्या आएगी माइनस वन अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या हो जाएगा देखो, x के रिस्पेक्ट में मेरा y को एज ए कॉन्स्टेंट लेना है, y को एज ए कॉन्स्टेंट लेना, तो 1 अपॉन y को मैंने बाहर निकाल दिया, ये आ गया 1 अपॉन x स्क्वायर dx प्लस 2 को बाहर निकाल दिया तो 1 अपॉन x dx माइनस 1 अपॉन y dy इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वन अपॉन वाई तो कॉन्स्टेंट था हमारे पास, उसको ऊपर ले गई मैं, तो ये क्या जाएगा एक्स टू दावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस टू लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। अब देखो एक्स टू दावर ये था वन अपॉन एक्स स्क्वायर था ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन ये क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस टू से माइनस वन अपॉन एक्स वाई। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। यहां तक भी हम सॉल्यूशन को रख सकते हैं, आगे सॉल्व करना चाहे तो क्या आएगा वन अपॉन एक्स वाई, ये आ जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन इक्वल टू सी। इसको इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगी मेरे पास लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू सी प्लस वन अपॉन एक्स वाई, देन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ई टू द पावर सी प्लस वन अपॉन एक्स वाई। ये हमारे पास क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब आगे हम और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन, इसको हमको रूल थर्ड रूल से सॉल्व करना है, किसी को सॉल्व करना है, फर्स्ट सेकंड तो पढ़ चुके हम, अब हमारा रूल कौन सा है रूल थर्ड। ठीक है, रूल थर्ड क्या था हमारे पास, सबसे पहले तो इक्वेशन किस रूप में है हमारे पास एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू जीरो, इस रूप में हमारी इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो ये है हमारे पास एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म में। ठीक है, हियर एम इक्वल टू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स एंड एन इक्वल टू है टू वाई। ठीक है, एम इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स एंड एन इक्वल टू है हमारे पास टू वाई। ठीक है, ये हमारे पास एम और एन गिवन। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास थर्ड रूल क्या था, हमारी इक्वेशन क्या इस रूप में है वन अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए एफ ऑफ एक्स, जिसको हम एफ ऑफ एक्स कहेंगे। ठीक है, इसको हम एफ ऑफ एक्स कहेंगे। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले यहां से हम निकाल देते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू हो जाएगी वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये और ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास टू वाई। ठीक है, और यहां से निकाल दिया मैंने डेल एल अपॉन डेल एक्स, डेल एल अपॉन डेल एक्स निकाला तो क्या हो जाएगा डेल एल अपॉन डेल एक्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्स है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आ जाएगा जीरो, डेल एल अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमने क्या निकाल दी
टू वाई निकल गई, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, वन अपॉन एन, वन अपॉन एन, एन इक्वल टू क्या, वन अपॉन टू वाई इंटू डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या है, टू वाई माइनस जीरो। तो टू वाई से टू वाई कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमको, वन मिली। इसी को हमने क्या कह दिया, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, क्या कह दिया, एफ ऑफ एक्स कह दिया। जब इसको एफ ऑफ एक्स कह देते सो आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर एक्स आया तो अब इक्वेशन जो थी ना फर्स्ट हमारी, उसमें हम ई टू दी पावर एक्स से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग नाउ, मल्टीप्लाइंग ये क्या हो गया हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय ई टू दी पावर एक्स, ठीक है, ई टू दी पावर एक्स जो क्या है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसे मल्टीप्लाई करो। जब इक्वेशन को ई टू दी पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस है, मल्टीप्लाई कर रहे सॉरी ई टू दी पावर, ये क्या हो जाएगी इक्वेशन मेरे पास, ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स डी एक्स प्लस टू ई टू दी पावर एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। अब मेरे पास एम क्या हो गया, अब ई टू दी पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स आ गया, देन डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा मेरे पास, वाई के रिस्पेक्ट में करना है, इसका तो हो जाएगा जीरो, इसके साथ भी ये है इसके साथ होगा, और इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तब भी जीरो हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, टू वाई और ई टू दी पावर एक्स कॉन्स्टेंट है क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई एक्स हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। एन इक्वल टू क्या है हमारे पास, टू ई टू दी पावर एक्स वाई, देन डेल एन अपॉन डेल वाई सॉरी डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक एक्स के रिस्पेक्ट में ई टू दी पावर एक्स को कहा तो ई टू दी पावर एक्स ही होता है, टू ई टू दी पावर एक्स वाई और टू इंटू वाई हमारे पास कॉन्स्टेंट है, दोनों की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास सिमिलर आ गई। मतलब डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या आ गया, टू ई टू दी पावर एक्स वाई। इट मीन्स अवर इक्वेशन सेकेंड इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है हमारी जो इक्वेशन सेकेंड है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। क्या है हमारी इक्वेशन, सो इक्वेशन सेकेंड इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो अवर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सो सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल टू जीरो, वेयर वाई एज अ कॉन्स्टेंट एंड इधर क्या आ जाएगा, टर्म्स विच डज नॉट कंटेन एक्स, वो वाली टर्म्स नहीं जिसमें एक्स नहीं हो, क्या हो जाएगा सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, एम को तो ऐसे लिख दो ई टू दी पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, वो टर्म्स लिख लिया जिसमें एक्स नहीं हो, तो एक भी टर्म्स हमारी ऐसी है जिसमें एक्स नहीं, क्योंकि एक ही टर्म्स है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा जीरो इंटू डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सॉरी अभी तो जीरो ही आएगा, कॉन्स्टेंट तो बाद में लगेगा। अब देखो इसका तो जीरो हो जाएगा, अब यहां देखो वो वाली टर्म्स है जिसमें वाई को कॉन्स्टेंट रखना, अलग अलग कर दो इसको, ए टू दी पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x y स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू को बाहर निकाल दिया x इंटू e टू द पावर x dx इक्वल टू जीरो। अब करो इनका इंटीग्रेशन। किसे करेंगे इसको, यूवी मेथड से या फर्स्ट सेकंड मेथड से करो? क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इज एस सच, फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे हम, एक्स स्क्वायर को, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इज एस सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका फर्स्ट फंक्शन का डी बाय डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा, आगे इसका करो। इसमें क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही हो गया। अब नेक्स्ट प्लस टू इंटू इसका वापस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इज एस सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस, अब टू को बाहर निकाल दिया, वापस ये इक्वेशन आ गई, माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। ये क्या आ गई, माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। अगर इसको हम ऐसा भी कर सकते थे एक बार, जैसे कि हमने इसको सॉल्व नहीं किया, ठीक है। देखो ये माइनस टू एक्स ई टू दी पावर एक्स डीएक्स यहाँ पे भी आ रहा है, माइनस प्लस टू एक्स ई टू दी पावर एक्स यहाँ पे भी आ रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व ही नहीं करते, ठीक है, इसको हम एज इट इज रख देते। प्लस ये आ रहा है ना, टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसको एज इट इज रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस, टू को बाहर निकाल दिया, ये आ गया एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू दी पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखो ये टर्म्स और ये टर्म दोनों सिमिलर है, एक प्लस और एक माइनस में, माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू दी पावर एक्स डी एक्स, ये से ये कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस प्लस सॉरी प्लस वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इधर इंटीग्रेशन हुआ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। ई टू दी पावर एक्स मैंने कॉमन ले लिया यहां से, तो क्या बचेगा, ई टू दी पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ओके।